स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। प्रदेश में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि सूबे के कई जिले अब डेंगू के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। हालांकि दीपावली के बाद सर्दी के मौसम ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है, बावजूद इसके डेंगू के मच्छरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सूबे के लोगों को कब डेंगू के डंक से आजादी मिलेगी, अभी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और लगातार डेंगू का डंक लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे हेल्थ एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। खतरे की घंटी बजा रहा है डेंगू, दिनों दिन बढ़ता डेंगू का प्रकोप, कई जिले बने डेंगू के हॉटस्पॉट। मध्य प्रदेश में कोरोना के बीच डेंगू का तांडव देखा जा रहा है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते सूबे के कई जिले डेंगू के हॉटस्पॉट बन गए हैं। राजधानी भोपाल, मंदसौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जिलों में सबसे ज्यादा डेंगू का कहर देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जबलपुर में सरकारी आंकड़ों में इस साल जनवरी से अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 800 पहुंच चुकी है। बात ग्वालियर की करें तो यहां पर डेंगू के अब तक 1788 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। शनिवार को ग्वालियर जिला अस्पताल में 56 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 26 मरीजों में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 18 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनमें डेंगू के लक्षण मिले हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्वास्थ्य महकमा भी सख्ते में दिखाई दे रहा है। डेंगू की रोकथाम के लाख जतन किए जा रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सूबे में डेंगू के लगातार आ रहे मामले से अब मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा करीब 11,000 के पास पहुंच चुका है। साल 2015 के बाद मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मरीजों की संख्या कभी 5,000 भी नहीं पहुंची थी। इतना ही नहीं, अब तक डेंगू के जितने भी मरीज सामने आए हैं, उनमें से करीब आधे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी है। साफ जाहिर है कि डेंगू के ये आंकड़े डरा रहे हैं। जरा सी लापरवाही से अब आपकी जान पर बन सकती है। वहीं ग्वालियर के जिला अस्पताल में तो डेंगू और बुखार से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ये हैं कि ग्वालियर में बुखार के सिरप का भी टोटा है। फिलहाल दीपावली के बाद सर्दी के मौसम ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है, बावजूद इसके डेंगू के मच्छरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सूबे के लोगों को कब डेंगू के डंक से आजादी मिलेगी, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर शरद पंडित जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता शुभम भोपाल से बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ दुर्गेश जबलपुर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं हम शुभम का। शुभम, अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो किस तरह से यहाँ पर मामले दिख रहे हैं, क्या डेंगू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में ही डेंगू का प्रकोप है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तक पूरे प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा मामले किसी भी वर्ष में नहीं गए थे, मगर आज हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा मामले डेंगू के जा पहुँचे हैं। बीते एक महीने पहले की बात की जाए तो भोपाल में डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रकोप था, लगातार मामले बढ़ रहे थे। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें, इस वक्त हम जेपी अस्पताल में एक तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि रविवार का दिन है तो उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, वरना आम तौर पर इस समय अगर हम सोमवार से शुक्रवार आते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी हमें देखने को मिलती है, लगातार मरीज भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए, इस बार डेंगू में हमने एक चीज़ नोटिस की है, जो एक्सपर्ट से भी हम बातचीत करते हैं, कि बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर कोई संक्रमित हुआ है तो वो बच्चे संक्रमित हुए हैं, डेंगू का शिकार हुए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि डेंगू के चलते भी मध्य प्रदेश में इस बार काफ़ी मौतें हुई हैं और बच्चों की हम जैसा कि बात कर रहे हैं, 10 से 12 वर्ष के कई कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। अगर आप खरगोन ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक बच्चे की मौत हुई है। सभी ज़िलों का अगर आप डेटा निकालेंगे तो एक दो मौतें डेंगू से भी हुई है। तो ऐसे में जो हम कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे थे, जिसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, मगर कहीं ना कहीं डेंगू के रूप में इसका प्रभाव हमें ज़रूर देखने को मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे शिकार हुए हैं। अब सावधानियों की या प्रशासन के तौर पर आप बात करेंगे तो बार बार यही कहा गया कि आप लोगों को घर में साफ पानी जमा नहीं होने देना है। आपके अगर कूलर में पानी रखा है, अगर आप फ्लावर पॉट
पॉट यूज़ करते हैं, पक्षियों को पानी पिलाते हैं, तो ये सब चीज़ें 2 से 3 दिनों में इनका पानी जो है वो साफ़ होते रहना चाहिए। दूसरा, मच्छरों से बचने के लिए आपको फुल स्लीव्स के जो है कपड़े पहनना होंगे, बच्चों को खासतौर पर फुल स्लीव्स के आपको कपड़े पहनाना होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सावधानी के तौर पर, भोपाल की अगर आप बात करते हैं तो 1 या 2 महीने पहले हम देख रहे थे कि लगातार फॉगिंग की जा रही थी। अब हालात भोपाल में ये हो गया कि जहाँ पर ज़्यादा फॉगिंग हो रही है वहाँ पर डेंगू के मामले जो हैं वो और बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर फॉगिंग की भी जा रही है, उसका असर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। इससे पहले कांग्रेस के जो 2 विधायक थे वो अपने अपने क्षेत्रों में निकल पड़े थे, लगातार अभियान चला रहे थे डेंगू को रोकने के लिए, खुद हाथ में फॉगिंग मशीन थी। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने खुद फॉगिंग मशीन हाथ में थामी थी और ये कहा था डेंगू को हम हराएंगे, क्योंकि उस वक्त भी डेंगू के मामले बढ़ रहे थे। मगर मुख्यमंत्री के इतने आग्रह के बाद, मुख्यमंत्री के उस अभियान के आने वाले 10 दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, लगातार प्रशासन अलर्ट पर रहा, चुस्त भी दिखा हमें, एक्शन में दिखा, मगर उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रशासन भी उतना अलर्ट पर हमें नहीं नज़र आया। और यही कारण है कि जो फॉगिंग पूरे शहर में की जा रही थी, अब उस तरह की फॉगिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल शुभम, और हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हैं जबलपुर से। दुर्गेश, अगर जबलपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से आंकड़े आपको दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल गीतू, देखिए बात जबलपुर की ही करें तो यहाँ भी डेंगू ने अपना प्रकोप बराबर फैला हुआ है और स्थिति ये बन गई है कि जबलपुर भी उन शहरों में शामिल हो गया है जहाँ सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक जबलपुर जिले में 769 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। ये जो रिकॉर्ड की हम बात करें, 2018 में 825 डेंगू के मरीज सामने आए थे जो सबसे ज्यादा थे, और अब उसी दिशा में जबलपुर एक बार फिर बढ़ रहा है, यानी कि 2021 में भी डेंगू के मरीज 825 से ज्यादा निकल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 769 तकरीबन आंकड़ा तो जबलपुर में पहुंच चुका है और अभी भी डेंगू के रोजाना 1-2 मरीज सामने आते हैं। और इसके साथ साथ जबलपुर में डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी अपना प्रकोप लगातार फैला रहा है, शतक की ओर पहुंच चुका है चिकनगुनिया का आंकड़ा भी। 97 मरीज अब तक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं चिकनगुनिया के। तो डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार अपने पैर पसार रही हैं पूरे जबलपुर जिले में, और लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, और ये तब भी सामने आ रहे हैं जब बरसात का मौसम खत्म हो गया है या जो मौसम में ठंड और गर्म जो मौसम बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है जबलपुर शहर का भी, सर्दियों का सीजन एक तरीके से शुरू हो गया, लेकिन यदि इस सीजन में भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं तो स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ा चिंता का कारण यहां पर बना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊंगी तो कि जबलपुर में भी डेंगू का एक नया वेरियंट पाया गया था जिसमें डेंगू रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें जो लक्षण थे वो पूरे के पूरे डेंगू थे। जैसे कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती जाती हैं, ठीक वैसे ही उस बीमारी में भी प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही होती जा रही थी। तो ये डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया था कि रिपोर्ट में तो व्यक्ति डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, लेकिन लक्षण और जो ब्लड प्लेटलेट लगातार गिरती है उसमें तो बराबर स्थिति बनी हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य महकमे के सामने भी बन गया है कि इसका हम इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है लगातार मरीजों में सामने आ रहा था। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने भोपाल में देखा, शुभम जी ने बताया कि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट किया है, ठीक वैसे ही स्थिति जबलपुर में बनी है। इस समय जबलपुर में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें डेंगू के पूरे लक्षण और उसमें मरीज बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये एक बड़ा सवाल इस बार प्रशासन के सामने भी रहा, स्वास्थ्य महकमे के सामने रहा कि डेंगू से तो लड़ने की तैयारी है, लेकिन डेंगू के समान लक्षण वाली बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, उससे बचाव कैसे करेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। दूसरी बात की तो यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जबलपुर जिले में लगातार मलेरिया विभाग सर्वे का काम कर रहा है, लार्वे को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी ये त्योहार की सीजन में जो सर्वे किया है उसमें 3000 से ज्यादा ऐसे घर पाए गए हैं जिनमें लार्वा पाया गया है। तो ये एक बड़ा चिंता की बात है कि लगातार अपील करने के बावजूद भी, लगातार तमाम उपाय बताने के बावजूद भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और अपने घर की साफ सफाई या जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे कहीं ना कहीं दूर नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इस त्योहारी सीजन में भी 3000 से ज्यादा घरों में लार्वा पाया गया। साफ जाहिर होता है कि लोग भी थोड़ा लापरवाह बने, जिसका नतीजा ये है कि लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 769 तो आ चुका है आंकड़ा, 2018 में 825 मरीज सामने आए थे, और स्वास्थ्य महकमा दावा है कि इस बार 1000 के करीब ये सरकारी रिकॉर्ड में आंकड़ा दर्ज हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो जो मरीज पहुंच रहे हैं उनकी संख्या की तो कोई गिनती है ही नहीं। जी जी बिल्कुल दुर्गेश, मामले बढ़ रहे हैं, इनमें अभी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, कारण क्या माने जाए, क्योंकि जिस तरह से सर्दियां शुरू हो चुकी है, पहले ये देखा जाता था कि सर्दी आते ही इस तरह की बीमारियां अपने आप कम हो जाती थी, खासतौर से डेंगू और चिकनगुनिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा है, कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे?
इसमें जो है दो बातों को हमको समझना होगा। एक तो ये पूरी तरह से रोका जा सकता है, प्रिवेंटिव इसके एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में शायद ध्यान देने में कुछ जो है हम लोगों से चूक हुई है। इसमें ये है कि जो मॉस्किटो की वजह से जो ये होता है और उसकी एक पर्टिकुलर जो स्पेसीज रहती है एडिस इजिप्शियाई, ये टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है, ये जो है इसके शरीर पर स्पॉटेड रहता है। और दूसरा ये है कि ये मच्छरों की उत्पत्ति का समय रहता है, बीच बीच में बारिश भी रुक रुक के होती रही और लेट भी जो है बारिश होती रही, तो अभी भी जो है पानी का जहां संग्रह होता है वहां ये मच्छर जो है वो बढ़ता है।